उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज चित्रकूट में तुलसी शबरी जलप्रपात पर बन रहा है। कोदंड वन स्थित इस प्रपात पर भगवान राम के धनुष और बाण के आकार का ब्रिज बन रहा है। इसे इको टूरिज्म का मुख्य केंद्र बनाने के लिए यहाँ पर राक व हर्बल गार्डन से साथ रेस्टोरेंट भी बनाए जाएंगे। वन विभाग और पर्यटन विभाग की ओर से 3.70 करोड़ रुपए से ग्लास स्काईवॉक ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। पुल निर्माण करा रही गाजीपुर की पवनसुत कंस्ट्रक्शन कंपनी के जनरल मैनेजर अमरेश सिंह के मुताबिक पुल का 70% काम पूरा हो चुका है। बनाए गए ढांचे पर पेंटिंग की जा रही है, कांच का काम बाकी है। उनके मुताबिक सितंबर तक पुल बनकर तैयार हो जाएगा। मारकुंडी रेंज में जिस जलप्रपात पर ग्लास स्काईवॉक ब्रिज बन रहा है उसे पहले शबरी जलप्रपात कहा जाता था। प्रभु श्रीराम की तपोभूमि के साथ यहीं पर राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान होने से पिछले साल प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर तुलसी जलप्रपात कर दिया था। कंपनी के GM बताते हैं कि धनुष और बाण के आकार में बन रहे ब्रिज में खाई की ओर बाण की लंबाई 25 मीटर है जबकि दोनों पिलर के बीच धनुष की चौड़ाई 35 मीटर है। पुल की भार क्षमता प्रति वर्ग मीटर में 500 किलोग्राम होगी। विशेष होगा चित्रकूट ग्लास स्काईवॉक ब्रिज तुलसी जलप्रपात पर पानी की 3 धाराएं चट्टानों से गिरती है। ये लगभग 40 फीट की ऊंचाई पर एक वाइड वाटर बेड यानी जलशया में गिरकर जंगल में लुप्त हो जाता है। जैसे ही लोग स्काईवॉक पुल पर चलेंगे तो चट्टानों पर पानी गिरने और नीचे जंगल का नजारा भी दिखेगा। इसके अलावा परियोजना स्थल पर रॉक गार्डन, हर्बल गार्डन, कैक्टस गार्डन और इको टूरिज्म एड ऑन के रूप में व्यू शेड्स का भी प्रस्ताव है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से भरे हुए वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।